तो हेलो गाइज, बहुत से लोगों के ये कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमें व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना लोगों की अपनी मर्जी होती है, वो डिसाइड करता है आपका कंटेंट, ठीक है। तो आज मैं कुछ आपको दो तीन ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपने कॉन्टेंट को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ताकि लोग आपको सब्सक्राइब करें। तो अगर वीडियो पर पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन के साथ। और शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है कि लोग कहते हैं कि हम थंबनेल्स भी लगा रहे हैं, हम टाइटल्स भी लगा रहे हैं, हम अच्छे टैग्स भी लगा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिख रहे हैं, फिर भी लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि शायद उनके टैग्स में प्रॉब्लम है, थंबनेल्स में प्रॉब्लम है। अपनी तरफ से वो बेस्ट कर देते हैं लेकिन वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सही नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो उसको और इम्प्रूव करो, और अगर आपको व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा रीज़न रहता है। सबसे पहले आपको क्या इम्प्रूव करना है, पहला पॉइंट बताता हूँ दोस्तों। जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, कुछ भी, चाहे आप कहीं कुछ भी कहीं पे घूम रहे हो, कोई व्लॉग बना रहे हो, कोई टेक है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई ट्यूटोरियल है, कुछ भी है, सबसे पहले आपको अपने बनाए जाने वाले कंटेंट की डीप नॉलेज होनी चाहिए। आपको उसका बहुत सारा पता होना चाहिए क्योंकि जब तक आपको उसके बारे में गहराई से पता नहीं होगा आप उसको अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, आप उसको बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा आपका, आप खुद देख लेना अगर आपका कोई ऐसा कॉन्टेंट है जिसका जो आपने सिर्फ ज़बरदस्ती बना दिया किसी को देख के कि क्योंकि उसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो अच्छा नहीं बनेगा। और आप उसमें कमेंट्स के जवाब भी क्या दोगे, तो लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे जब उनको उनके सॉल्यूशन आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, तो वो क्यों आपको सब्सक्राइब करेंगे। तो बहुत ध्यान रखिए अपने कंटेंट का, आपको पहले स्टडी करना है उस कंटेंट को, जो आप टॉपिक बना रहे हो उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है, आपको हर चीज़ बारीकी से पता होनी चाहिए। और जैसे ही कोई अगर सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको पता है ना तो आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, 101%, यकीन मानो मेरा, ठीक है। और दूसरा ये कि जब कोई आपसे उल्टा कमेंट में सवाल कर ले तो आप उसका एकदम से अच्छा और परफेक्ट रिप्लाई भी देते हो, तो इससे बंदे को क्या होता है कि नहीं यार इस बंदे का तरीका ही बहुत अच्छा है, हेल्प भी करता है और बताता भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको बोलने से ही पता चलता है यार कि इसको नॉलेज है, तो वो आपको सब्सक्राइब कर लेता है नेक्स्ट टाइम के लिए कि आगे भी मुझे ऐसा कुछ कॉन्टेंट मिलेगा। तो टिप नंबर दो है दोस्तों कि हमें कोई वीडियो देखना हो तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी आवाज़ आनी चाहिए, हिंदी में होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए, जो भी हमारा है वो क्वालिटी के ही अंडर आ जाता है ना। वॉइस अच्छी होनी चाहिए, वीडियो अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से वीडियो परफेक्टली एक्सप्लेन करके बताया हो। तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो, बहुत मैटर करती है, और यही क्वालिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सब्सक्राइबर देती है दोस्तों। व्यूज़ तो ले लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब इसीलिए लोग उनको नहीं करते हैं क्योंकि उनको उनकी क्वालिटी ही पसंद नहीं आती, या तो उनकी पीछे बैकग्राउंड में नॉइस रहती है बहुत ज़्यादा, इरिटेटिंग करती है, ऐसी चीज़ें। ऑडियो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए आपकी वीडियो के अंदर, बेशक थोड़ी कम हो लेकिन ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इन चीज़ों से ही फ़र्क पड़ता है हमारे सब्सक्राइबर बेस का। बेशक बंदा आपकी वीडियो देख लेता है लेकिन जब उसको अच्छी ही नहीं लगी, ना वीडियो ना वीडियो और ऑडियो में से एक भी चीज़ अगर उसको पसंद नहीं आई, वो आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा। दोनों चीज़ें परफेक्ट हैं और आपका कंटेंट में जान है, मतलब ही नहीं है वो तुम्हें सब्सक्राइब किए बिना जाएगा, यार खुद सोचो इस चीज़ को। ये तो नेचुरल चीज़ है, ये तो कि तुम किसी की वीडियो देख रहे हो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है वीडियो ऑडियो उसकी और कंटेंट, तो आप क्यों नहीं सब्सक्राइब करोगे, आप करोगे मेरे भाई। तो यही चीज़ें खुद पे भी लागू करके देखो ना यार कि मेरे को क्यों नहीं कोई सब्सक्राइब करके जा रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे कंटेंट में दिक्कत है, तुम्हारा कंटेंट अभी उस काबिल नहीं है लोग तुम्हें सब्सक्राइब करें, तो उसको और इम्प्रूव करो। कैसे इम्प्रूव करना है वो तुम्हें देखना है, खुद की वीडियोज़ को अपने एडिट करके फ़ोन में रखी होगी, लैपटॉप में रखी होगी, उनको देखो, ठीक है, यूट्यूब पर मत देखो, अपने डिवाइस के अंदर देख लो और उनको एनालाइज करो कहाँ दिक्कत है, अपने मम्मी को दिखाओ, पापा को दिखाओ, अपने बगल पड़ोसी सबको दिखाओ क्या दिक्कत लग रही है मेरी वीडियो में, और जो वो बताएंगे पॉइंट्स उनको नोट करो और इम्प्रूव करो, बात खत्म। टिप नंबर थ्री मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि अपने कंटेंट में सीधा टॉपिक पे आओ, बकवास मत करो इधर उधर की, क्योंकि अगर आपको कोई ट्यूटोरियल ढूंढना है, मान लो आप ढूंढ रहे हो कि फेसबुक पे प्रोफाइल पिक कैसे लगाएं, ठीक है, अब आप जा रहे हो किसी वीडियो के ऊपर, पहले तो वो अपनी स्टोरी सुना रहा है,
फिर वो पड़ोसी की स्टोरी सुना रहा है, फिर पड़ोसी के पड़ोसी की सुना रहा है, फिर आखिर में जाके वो बोलेगा भाई ऐसे लगती है डीपी, ऐसे लगती है प्रोफाइल पिक। तो आप क्या उसको सब्सक्राइब करना चाहोगे? नहीं करोगे। तो बहुत सी वीडियोज़ ऐसी होती हैं, वो पहले इधर उधर घुमा घुमा के इधर उधर की बातें करते हैं, उसके बाद वीडियो को लंबा करने की कोशिश करते हैं कि वीडियो लंबी होगी तो हमें ज़्यादा वॉच टाइम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब आप इधर उधर की बकवास ज़्यादा करते हो तो वॉच टाइम उतना नहीं आता है। आप करके देख लेना, ठीक है, बकवास किसी वीडियो में आपका वॉच टाइम ऑटोमेटिक ही गिर जाएगा, क्योंकि बंदे पसंद ही नहीं करेंगे, और पसंद ही नहीं करेंगे व्यूज़ तो आ गए, सब्सक्राइबर नहीं आए। क्यों नहीं आए भाई, बकवास कर रहे हो यार। बकवास करने वाले को मैं खुद नहीं सब्सक्राइब करूंगा, तुम क्यों करोगे और तुम्हें भी कोई क्यों करेगा। तो ध्यान रखो अपने कंटेंट के अंदर, जो तुम्हारा टॉपिक है जिसके ऊपर तुम बता रहे हो अपने ऑडियंस को, सीधे पॉइंट पे आओ जल्दी से जल्दी और उनको समझाओ अच्छे से, बहुत अच्छे से। अपनी ऑडियो क्वालिटी मेंटेन करो, वीडियो क्वालिटी मेंटेन करो, और अपने कंटेंट को और इधर उधर की बातें कम करो वीडियो में। बेशक वीडियो 3 मिनट का बने, 4 मिनट का बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 3 मिनट का बना है, 2 बंदों ने देख लिया तो सीधे 6 मिनट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ही जितने बंदे देखते रहेंगे वो, अगर उसमें जान होगी, क्वांटिटी क्वालिटी सब चीज़ें बढ़िया होंगी, तो वो अपने आप वॉच टाइम दे देगा आपको, 3 मिनट का वीडियो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। इन चीज़ों पे आप काम करो, आपके पास व्यूज़ भी आते हैं मुझे पता है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आते हैं। तो अगर नहीं आते हैं सब्सक्राइबर ना, तो आपके कंटेंट में यही प्रॉब्लम्स हैं। इनको इम्प्रूव करो, ढूंढो, फाइंड आउट करो क्या मेरे इसमें दिक्कत है। अपने दोस्तों को दिखाओ अपने वीडियो, उनसे रिव्यूज़ लो, उनसे पूछो इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस लो, वो बताएंगे यार कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तुझे बोलने नहीं आता, तुझे ये नहीं आता। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन अगर आप किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हो। देखो एक और पॉइंट बता रहा हूँ, ये एडिशनल हो गया, इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बोलने नहीं आता है, आपको किसी को समझाने ही नहीं आता है, मान लो आप किसी टोन में बात कर रहे हो जैसे नमस्कार दोस्तों, आप ऐसे बोलोगे कोई पसंद नहीं करेगा भाई। जो भी अच्छे मतलब बंदे हैं आज की डेट में बहुत एडवांस हो रहे हैं बोलने का, पटर 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 वाले बंदे चाहिए उनको, तो ठीक है। अगर आप ऐसे टोन में भी बात करते हो ना, फिर भी बंदे पसंद नहीं करते हैं, यार कैसे बोल रहा है ये, सुस्त पड़ा हुआ है, लेजी सा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, आपका कम्युनिकेशन वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, वो अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि मुझे सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को दबा के कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।